हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के सोशल स्टडीज के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 9। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि जो शेडेड एरिया है उसको ध्यान से देखें और बताएं कि यहाँ पर हेयर द ब्रिटिशर इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो एक सिस्टम लागू किया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वॉज पेड टू गवर्नमेंट बाय द होल विलेज कम्युनिटी। तो जितनी भी विलेज की कम्युनिटी होगी वो लैंड रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगी। विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स है। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कौन सा लैंड रेवेन्यू जो है उस सिस्टम को जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो आंसर है महलवारी सिस्टम। ठीक है, महलवारी जो है वो प्रबंध। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट डिड इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैव ऑन इंडिया। तो इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ठीक है, उसका क्या भारत पे प्रभाव पड़ा? इंडिया का जो रॉ मटेरियल था वो इंग्लैंड जाने लगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को जो है वो कमर्शलाइज कर दिया था, उसका व्यापारीकरण कर दिया था। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू एक्सट्रैक्ट एज मच मनी एज पॉसिबल। तो जो लैंड रेवेन्यू का जो मेन पर्पस था वो क्या था ब्रिटिशर्स का, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो यहाँ से मतलब कि निकालना। टू अचीव दिस पर्पस द ब्रिटिशर अडॉप्ट वेरियस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन इंडिया। तो इसके लिए अलग अलग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो इंडिया में अडॉप्ट की गई, तो इसको आपने मैच करना है। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसके साथ मैच होगा बेटा? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉर्ड कार्नवालिस के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो थॉमस मुनरो से जो है वो कनेक्टेड है, तो ये सी हो जाएगा। इजरदारी सिस्टम जो है वो वॉरेन हेसिंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, ए हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन की वजह से फार्मर्स स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज वीट, कॉटन, ऑयल सीड, शुगर केन एंड जूट। तो उन्होंने जो फार्मर्स है उन्होंने जो है वो कनक है ना, इसके अलावा जो कॉटन है, ऑयल सीड्स है, शुगर केन और जूट उगाना शुरू कर दिया था। सही है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ रिवॉल्ट ब्रोक इन चंपारण बिहार अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन। तो इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ चंपारण में जो है वो एक विद्रोह शुरू हो गया था, तो ये भी सही है। जाएगा बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कथन उड़ा एड़ा दोनों ही सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस वेरियस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन इंडिया। तो इंडिया में अलग अलग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने का जो है वो मेन पर्पस क्या था, तो यहीं पे आंसर लिखा हुआ है ना, एज मच एज मनी टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज पॉसिबल, तो वध धन इकट्ठा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स एज वेल एज सुपरवाइज द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। कंट्री के क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करता है, करेंसी को सुपरवाइज करता है। तो आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन कंट्री है, एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लेबर है, आर्टिशियन है, उनको जो है वो बेसिकली लोन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया है? तो इसके लिए रीजनल रूरल बैंक्स जो है उसकी स्थापना जो है वो की गई है। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदीप ने एक कार खरीदा, जब उसने बिल पे चेक किया तो वहां पे एक स्पेशल तरीके का टैक्स जो है वो लगाया गया था। दिस वॉज द टैक्स दैट वॉज लीव्ड ऑन एवरी कस्टमर। तो मतलब कि जब हम कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं तो ये टैक्स जो है उन सभी पर जो है वो इम्पोज किया जाता है। तो हम कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर? सेल्स टैक्स की। ठीक है, बिक्री कर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डू टैक्सेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री। तो कंट्री के आर्थिक जो है वो स्थिरीकरण के लिए जो है वो किस तरीके से जो है वो टैक्स कंट्रीब्यूट करता है। तो गवर्नमेंट को इससे इनकम प्राप्त होती है, रेवेन्यू मिलता है, ये पैसा जो है वो देश की डेवलपमेंट के लिए लगता है। गवर्नमेंट जो इससे वेलफेयर स्कीम जो है भलाई के लिए लोगों की जो है वो काम कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज जो है वो कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट का युग है। ड्यू टू दिस रैपिड डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडियन बैंक्स हैव प्रोवाइडेड वेरी मॉडर्न फैसिलिटी टू द कस्टमर।
तो जो है जो इंडियन बैंक्स है वो काफी सारे जो है वो फैसिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती है, ठीक है, तो कौन सी फैसिलिटी जो है बैंक जो है वो प्रोवाइड नहीं कराता अपने कस्टमर को, तो आंसर है वीजा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक ब्लैक स्मिथ, वीवर, फार्मर, आयरन स्मिथ, कॉबलर एंड पॉटर एक्सेट्रा वर्क टुगेदर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द विलेज। तो ये सारे लोग जो है, ठीक है, जो लोहार है, बुनकर है, किसान है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो आयरन है, पॉटर है, वो सब इकट्ठे होकर काम करते हैं ताकि गांव की जरूरतों को पूरा किया जा सके, है ना। पर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्लाइन, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान जो है वो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी ये डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। इसके पीछे क्या रीजन था? स्मॉल स्केल कॉमोडिटीज जो है उनका हाई रेट होना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्सपोर्ट का है कि रीजन नहीं है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, इंडिया से इंग्लैंड जो है वो कच्चा माल भेजा जाता था, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द न्यू जनरेशन फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो कहते हैं डिमांड बढ़ गई थी, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो ये तो नहीं हुआ था, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल इज वर्ल्ड वाइड, इंडियन टेक्सटाइल जो है उसकी मांग जो है पूरे विश्व भर में है, बिल्कुल सही है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज की वजह से दो क्लासेज जो है उनका जन्म हुआ, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा वर्कर, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि कथन उड़ा अते ऐड़ा दोनों ही सही हन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सर्कल इज शोन इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया, इट इज द एरिया वेयर द फर्स्ट कॉटन फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश, तो यहाँ पर जो है सबसे पहली कॉटन फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश की गई थी 1853 में, तो जगह को आइडेंटिफाई करना है, तो ये है बॉम्बे जो कि अब मुंबई नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है। एग्जाम्पल जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का आपने बताना है, तो पोट्री जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है पंजाबी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेस डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन जो है वो किस वजह से हुआ था? नो परचेज ऑफ हैंडमेड आइटम्स बाय द पीपल, लोग हैंडमेड आइटम्स को जो है वो खरीद ही नहीं रहे थे, ज्यादा मेहनत लगती है हैंडमेड आइटम्स बनाने में, हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स में इनका प्राइस जो है क्योंकि मेहनत ज्यादा लगती है तो प्राइस भी ज्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, बाय बाय।